अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी एक रिश्ता मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उसको बताने से पहले हमारी एक छोटी सी जो है गुजारिश है कि वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। तो दोस्तों, जो रिश्ता जो है ये उन मेरे भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए है जिनकी उम्र 55 साल तक हो, 55 ईयर्स तक जिनकी उम्र हो, पहली दूसरी या तीसरी शादी करना चाहते हों, तो उनके लिए जो है ये रिश्ता है। तो ये जो खातून हैं जिनका रिश्ता मैं आपको बताने लगा हूँ, हमारी बहन जो है इनकी उम्र जो है वो इस वक्त 47 ईयर है, यानी कि 47 बरस है, 47 बरस इनकी उम्र है। और इनका नाम है साइमा बीबी। तो साइमा जो है 47 साल उम्र है, तलाक याफ्ता हैं, 3 साल हो गए हैं अपने जो है पहले शोहर से इनको अलहदा हुए। तो साइमा जो है खूबसूरत हैं, तालीम जो है इनकी मैट्रिक है, दो बेटियां हैं, दोनों बेटियां इन्हीं के साथ रहती हैं। और इस वक्त जो है ये साइमा अपने वालदैन के साथ मुल्तान सिटी में रहती हैं, मुल्तान सिटी में रहती हैं, मुसलमान हैं, फिरका सुन्नी हैं। इनकी जो कास्ट है ये राणा राजपूत हैं। तो अभी जो हैं इनके जो वालदैन हैं, इनके जो वालदा हैं, वो तो जो है पहले ही फौत हो चुकी हैं। वालिद साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि अपनी बेटी की दोबारा से शादी कर दें। तो साइमा तो जो है वो शादी जो है पहले तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन वालिद के इसरार पर जो है अभी ये मान गई हैं। तो इनकी जो शादी के बाद जो इनकी जो बेटियां हैं वो इनके जो है साथ नहीं रहेंगी, यानी कि इनके साथ नहीं जाएंगी। जो बेटियां हैं इनकी वो इनकी मामू के पास रहेंगी, यानी कि अपने मामू के पास ही रहेंगी। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र 55 साल तक हो, पहली दूसरी या तीसरी शादी करना चाहते हों, पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हों, वो बराए मेहरबानी इस रिश्ते के लिए हमसे बात कर सकते हैं। इस रिश्ते के लिए जो है आप अगर चाहते हैं हमसे बात करना, तो अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे और इस फैमिली को जितनी जल्दी हो सकेगा आपसे हम मिलवा देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।